बबल रैप ओपन करने के बाद ऐसा रखता है, ये जो पाइराइट आपका जो स्टोन है पाइराइट स्टोन, उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट आप अभी यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में जा रहा है वो है कि कोई केबिन क्रू में काम कर रहा है उसका जॉब सेक्टर के बारे में बोल रहा है, कोई पायलट में काम कर रहा है उसके बारे में बोल रहा है, कोई शिप का कैप्टन है उसके बारे में बोल रहा है। सो अल्टीमेट सब सेक्टर के बारे में सभी डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन मेरा ये जो सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर, मैं एज अ टूर मैनेजर हूँ, सो इस सेक्टर के बारे में कोई बात नहीं करता। मैंने यूट्यूब में ये देखा, बहुत ही कम लोग हैं, फॉरेन में 2-3 लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत ही कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, बहुत ही कम, मतलब 100 में पकड़ लो 2 या 3। सो मैं सोचा कि आज व्लॉग इस टॉपिक के ऊपर बनाया जाए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल पोंग बाइसेप्स। सो बेसिकली मैं और मेरा जो डेजिग्नेशन है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, वो है एज अ टूर मैनेजर। सो टूर मैनेजर का काम होता है, आप अगर गेस्ट हो तो आप घूमने आ रहे हो, तो मेरा काम होता है आपका टूर मैनेज करना। मतलब आपका एक पैकेज है, मान लीजिए 5 नाइट 6 डेज है पैकेज है, उसमें ऐसा 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 एक कंप्यूटर जनरेटेड, फर्स्ट डे आएंगे यहाँ जाएंगे, सेकेंड डे आएंगे यहाँ जाएंगे, थर्ड डे वहाँ जाएंगे, ऐसा ऐसा टूर आपका है। लेकिन हम लोगों का काम होता है कि मान लीजिए कल साइक्लोन अलर्ट है, या तो कल कुछ VIP मूवमेंट है, या तो कल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपका टूर में कुछ प्रॉब्लम ना आए बल्कि आपका पूरा टूर कंप्लीट हो जाए। सो हम लोगों का डिपार्टमेंट होता है वही कि हम लोग आपका टूर पूरा विदाउट एनी प्रॉब्लम कंप्लीट करवा देते हैं। हर दिन बोलता हूँ सुबह सुबह उठ के, अभी मेरा सुबह हो गया, मैं ब्रश किया, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, पिकअप कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा ये काम नहीं होता है एयरपोर्ट पिकअप, शाम को गेस्ट मीट वगैरह होता है ये भी मैं बताता हूँ, लेकिन सिर्फ ये नहीं होता, उसके बाद भी बहुत काम होता है, उसके बाद भी, ये तो सिर्फ आप देखते हो, असल में बैक में बहुत काम होता है कि एक गेस्ट को फ़ोन करना, उनसे बात करना, उनको एंटरटेन रखना, ताकि अच्छा फीडबैक मिले। एट द एंड ऑफ द डे सर्विस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है गेस्ट का, क्लाइंट का, कस्टमर का फीडबैक, वही आपका कंपनी को एंड आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। सो हम लोगों का भी वही होता है मोटो कि फीडबैक हम लोगों को अच्छा लाना है एंड गेस्ट को सबसे बेस्ट एंड बेस्ट सर्विस देना हो। मैं बेसिकली अंडमान बेस एक कंपनी में काम करता हूँ एज अ टूर मैनेजर, और ये इंडस्ट्री में मैं घुसा 2016 में, जब 2015 तक मैं ऑटोमोबाइल में पढ़ाई करके मैं हीरो एंड होंडा में मैं काम कर रहा था, टू व्हीलर कंपनी में। उसके बाद मेरे को चुल मचा कि मेरे को एक ऐसा काम करना है जहाँ पे मैं घूम सकता हूँ, खा सकता हूँ, नया नया लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, नया चीज़ इन्वेंट कर सकता हूँ, मतलब इन्वेंट मतलब नया नया जगह में घूम सकता हूँ। सो तभी मैं कोलकाता में एक कंपनी में ज्वाइन किया एज अ बैक ऑफिस स्टाफ, मेरे को पता भी नहीं था, एज अ बैक ऑफिस स्टाफ, वो भी होटल में, एज अ होटल में ज्वाइन किया। फिर धीरे धीरे करके चैनल मालूम आया, फिर वो जगह छोड़ के मैं एक ट्रैवल कंपनी में घुसा एज अ बैक ऑफिस स्टाफ, फिर वहाँ से टूर एस्कॉर्ट बना, आज का डेट में मैं टूर मैनेजर। सो टूर एस्कॉर्ट एंड टूर मैनेजर बोथ आर सेम, दोनों का काम ही सेम होता है कि गेस्ट को पिकअप करके लेके जाना, घुमाना, लेके आना। वहाँ पे जो मेरा काम होता था वो होता था कि मैं कोलकाता से पूरा एक ग्रुप को पिकअप करके लेके जाना, घुमा के फिर लेके आना, लेकिन यहाँ पे मेरा काम है कि यहाँ पे मैं लोकल गाइड हूँ। सो यहाँ पे वो आते हैं, मैं यहाँ पे घुमाता हूँ, फिर उन लोगों को छोड़ देता हूँ। एक्चुअली एक टूर मैनेजर होता है कि आपका एक मतलब साथी बोल सकते हो, अननोन साथी, आपका एक अननोन फ्रेंड होता है एक टूर मैनेजर, कि आप जब यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे आप किससे बात करोगे, कोई भी जगह, यहाँ पे नहीं, कोई भी जगह में आप जाओ घूमने के लिए। सो वहाँ पे अगर अननोन, आपका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जान पहचान नहीं, किससे आप बात करोगे, या तो आपका ड्राइवर, ड्राइवर अगर नहीं है, आप किसी को पैकेज दे दिया, तो आप किससे बात करोगे।
तो सामने वाला जो इंसान रहेगा वो आपका टूर मैनेजर ही होगा। सो हम लोगों का लाइफ भी बहुत मतलब अप एंड डाउन्स के ऊपर जाता है। मतलब ऐसा भी होता है कि घर में बहुत झगड़ा होता है, या तो फैमिली प्रेशर रहता है, या तो मनीटरी प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अल्टीमेट एंड ऑफ द डे जब हम लोग मिलने के लिए जाते हैं गेस्ट से, तब मुँह में स्माइल होना चाहिए। और ये एक हर सर्विस इंडस्ट्री का स्टाफ का ये सेम रूल है कि जब आप गेस्ट के साथ बात करने जा रहे हो, मुंह में एक अच्छा वाला स्माइल होना चाहिए। मेरे को लगा कि आज ये टॉपिक के बारे में बात करना, तो मैं इसलिए शुरू किया है टॉपिक के बारे में। मेरे को अच्छा भी लगा कि मैं अपना काम के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता पाया। एक दिन मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, मैं बहुत जल्दी वो वाला वीडियो भी बनाऊँगा डिटेल में, एकदम मैं कैसे कैसे काम करता हूँ, कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे फ्लो होता है, सब कुछ मैं बताऊँगा। फ़ैन चला लेता हूँ, बहुत देर तक मैं फ़ैन विदाउट फ़ैन में था, अभी बहुत गर्मी लग रहा है मेरे को। आज मेरे पास एक पार्सल आया, मैंने स्टार्ट मफिन करके एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने पायराइट खरीदा। जिसको पता नहीं, पायराइट एक स्टोन होता है जो मतलब आपका वास्तु में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, जिससे आपका पैसा वगैरह में मतलब मनीटरी प्रॉब्लम चल रहा है, घर में ये चल रहा है, तो आप पायराइट यूज़ कर सकते हो। पायराइट बेसिकली आपका मनी मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। ये मैंने मतलब कोई ऐड वगैरह नहीं देखा, ऐड देखा था। अरे कहना क्या चाहते हो? उसके बाद मैंने स्टडी किया, गूगल में स्टडी करके मैंने इसको खरीदा, और ये मेरे को मिला स्टड मफिन से, एक ब्रेसलेट टाइप का। सो मेरे लिए और प्यू के लिए, दोनों के लिए ऑर्डर किया, आज आ गया। अभी चलो उसको अनबॉक्स करते हैं। सो ये रहा पार्सल। ये बेसिकली नॉर्मल एक प्लास्टिक टाइप का पार्सल है, कोई पैकेट वगैरह नहीं है, लेकिन अंदर बहुत हार्ड है, मेटल है करके, मेटल मतलब बोल रहा हूँ, एक स्टोन है। बहुत ही भारी है, इसका वेट है, पैसा ही पैसा हो गया। अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। मैं चाकू तो लेके ही आया अभी किचन से, इसको काट लेते हैं। ऑपरेशन हो गया है कंप्लीट, और सामान को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है। तो सामान कुछ इस तरीके से बबल रैप में पैक होके आता है, और अभी ये बबल रैप को हम लोगों को खोलना पड़ेगा। बबल रैप को मैं ओपन कर रहा हूँ अभी। बबल रैप ओपन करने के बाद ऐसा रखता है, ये जो पायराइट आपका जो स्टोन है, पायराइट स्टोन, उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है कि ये जो ओरिजिनल है, इसका प्रूफ के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाता है। यहाँ पे अच्छे से अगर आप देखोगे तो सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि कलर कैसा है, इसका वेट कितना है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब ये जो ओरिजिनल है, स्टोन ओरिजिनल है, इसका ही प्रूफ ये देते हैं, ताकि आप लोगों को भी भरोसा लगे कि ये ओरिजिनल है। इसलिए इसमें आपका मतलब क्या बोल सकते हैं, कार्ड वगैरह, सर्टिफिकेट कार्ड इसमें दिया जाता है। अभी चलो इसको पहनते हैं। अगर खरीद लिया पहनने के लिए, तो बिना पहने कैसे रह सकते, इसको पहन लेते हैं। ये बेसिकली कुछ इस तरीके का लगता है, नॉर्मल एक ब्रेसलेट टाइप का लगता है, जो उसका ए नहीं है, लेकिन चलो बहुत अच्छा है, नॉर्मल एक ब्रेसलेट टाइप का है, लेकिन इसको नॉर्मली आप पहन सकते हो, इसको पहनना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप ये सब चीज़ में एस्ट्रोलॉजी में मानते हो, एस्ट्रोलॉजी में, आपको थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब ये स्टोन के ऊपर, अपना मन के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा, ये काम करेगा। एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत आपको भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हर कुछ चीज़ हम लोग के हाथ के ऊपर नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको अलग एक्सटर्नल आपको लेना होता है, उसमें आपको थोड़ा बहुत हेल्प होता है। ये मैं मानता हूँ, हर लोगों का मानना नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ। मैं तो पहन लिया, अभी प्यू का बारी है, प्यू जैसे ही घर आएगा उसको भी मैं दे दूंगा, वो भी पहन लेगा इसको, और उसके बाद देखते हैं कितना दिन में रिजल्ट मिलता है। जब भी रिजल्ट मिलेगा मैं उसको भी अपलोड करूंगा। हाँ, मेरे को थोड़ा बहुत अभी ये हो रहा है। एक्चुअली इसका जो काम होता है वो होता है कि आपका मनी मेकिंग जो सेंस होता है, दिमाग का जो आइडिया होता है कि मेरा पैसा खर्च हो रहा है, मैं कैसे सेव करूँ, कैसे ये करूँ, तो ये सब थिंकिंग आपका चेंज कर देता है। एक्चुअली ये गूगल में भी लिखा है कि ये सब थिंकिंग आपका चेंज करता है। मतलब आप वास्तु दोष वगैरह ये सब कुछ
क्लियर करके आपका थिंकिंग वगैरह चेंज कर देता है। थोड़ा बहुत मैं इन सब में मानता हूँ, सो इसलिए मैं बैन। आपको कमेंट में गाली वगैरह देना है तो दे दो भाई, लेकिन मैं मानता हूँ, जो मैं मानता हूँ वो मैं मानने वाला हूँ। जस्ट मैं अपना काम खत्म करके घर आ गया और क्यू को भी मैंने ये वाला पाइराइड वाला ब्रेसलेट दे दिया जो मैं उसके लिए खरीदा था, वो भी हाथ पे पहना है, ये देखो। सो ये बेसिकली नेचुरल गोल्ड इसको बोला जाता है। मैंने तो पहले इसको बता दिया कि इसका फ़ायदा क्या क्या है। अभी ये पहनने के बाद थोड़ा सा खुद के ऊपर भरोसा रखना है, थोड़ा सा इसके ऊपर भरोसा रखना है, काम करते जाना है, फल आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर वाला चीज़ अगर आप पहन के ही बोलोगे मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है तो ये तो गलत बात है ना। वो एक्चुअली आप पहनोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे, उसके बाद ही वो काम होने वाला है और उसके ऊपर भरोसा रखना है। आप भरोसा नहीं रखोगे तो वो कभी भी काम नहीं करने वाला। सो अभी मैं बनाने वाला हूँ ग्रीन टी, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मिडिल में मैं पी रहा था, अभी छोड़ दिया था फिर से, मतलब छोड़ दिया था मतलब एक दो हफ्ते का गैप हो गया था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं सर्दी वगैरह हो गया, फिर डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था करके मैं थोड़ा सा स्किप किया, फिर से मैं पीना शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली टी वगैरह थोड़ा सा स्किप करके ही पीना होता है, डेली लेना बहुत ही गलत होता है। एक्चुअली थोड़ा सा आप स्किप करोगे तो वो काम करेगा, नहीं तो वो ड्रग की तरह काम करेगा, आप पीते ही जाओगे कोई काम नहीं करने वाला। सो इसलिए थोड़ा सा गैप दिया, फिर से पीऊँगा। ग्रीन टी बेसिकली ये वाला कंज्यूम करता हूँ, कुछ टेटली करके इसका नाम है, और ये मत समझना कि ये लोकल वाला ग्रीन टी है, टाटा प्रोडक्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है टाटा करके, देखो टाटा प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। सो थोड़ा सा ट्रस्टेड थोड़ा सा नहीं मतलब कि बहुत ही ट्रस्टेड है। तो चाय पियेंगे और चाय के साथ थोड़ा बहुत बिस्किट नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये उसके लिए टाइगर क्रंच और मेरे लिए है डार्क फैंटेसी। सो रात का तो डिनर मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन अभी जो मैं बना रहा हूँ कल का, थोड़ा सा फिश करी मैं बना के रखता हूँ क्योंकि कल सुबह, ताकि मेरे को प्रेशर ना आए, कुछ ना आए, कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अभी सब कुछ ये तो फ्राई करके रखा है, सिर्फ इसका ग्रेवी बनाना है और कल सुबह के लिए मेरा खाना रेडी हो। फटाफट काट लेता हूँ क्योंकि काटने के टाइम में उतना अच्छा वीडियो में बना नहीं पाऊँगा क्योंकि उतना अच्छा तो खास सेटअप मेरे पास नहीं है, तो मैं फटाफट काट लेता हूँ, फिर थोड़ा सा ये पार्ट को मैं स्किप कर दूँ। मेरा फिश करी हो गया है रेडी और अभी थोड़ा सा हम लोग करेंगे रेस्ट एंड उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर। और डिनर में बेसिकली मैं कल बनाया था चाउमीन, जो कि ऑलरेडी रखा है, उसमें थोड़ा सा अंडा फ्राई करके दे देंगे और अंडा चाउमीन बन जाएगा। कल वो खा के तो सो ही जाएंगे हम लोग, और कल सुबह उठ के फिर से काम पे जाना है, इसीलिए जल्दी खा के हम लोग सो जाएंगे। तो रात का जो हम लोग का डिनर है वो पहले ही तो मैंने बता दिया था, चाउमीन था जो मैंने कल बनाया था, और उसमें थोड़ा सा अभी अंडा हम लोग इसमें फ्राई करके डाल देंगे तो बन जाएगा अंडा चाउमीन। वो करके हम लोग सो जाएंगे। अंडा चाउमीन मतलब बेसिकली एक चाउमीन होता है। सो चाउमीन बन के हो चुका है यहाँ पे रेडी, और इसमें थोड़ा सा मैंने ग्रेवी डाल दिया है, जो कि मैंने फ़िश करी बनाया था उसका ग्रेवी थोड़ा सा मैंने डाल दिया, ताकि थोड़ा सा जूसी टाइप का बन जाए चाउमीन। एक्चुअली मैं सूखा सूखा बनाता हूँ, बहुत ही कम तेल का। सो अभी खा के मैं सो जाता हूँ, ब्लॉग को ही पेंट कर देता हूँ। अगर यहाँ तक अच्छा लगता है ब्लॉग को, क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग। बोले हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां मैं पिघल गया। पैसा होगा।
क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ अपना। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा सातवीं फेल। चुप, एक शब्द नहीं बोल। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? समझ रहे हो ना? बड़े हरामी हो बेटा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ओह माय गॉड, अबे साले तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मस्त जोक मारा रे, यह हंस रहे हल्का ढाल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ओ भाई मारो मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ऐसे तो नहीं होता है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। Yeah, boy.